أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मैं हूँ मोहम्मद दानियाल और आप दोस्त देख रहे हो दानियाल खान एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। कबूतरों को खोल दिया है और इसके आगे रोटी वगैरह डाल दी। ये रोटी खाएंगे, डफ का क्या सूरत हाल है। डफ भी खूब मस्ती में है, पर्दे वगैरह लगाए थे तो इसकी वजह से ये गर्म थे तो आज फुल मस्ती में है। इस पिंजरों को बराबर करेंगे या भी भराई भी करेंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी भी दिखे। यहाँ पर ये देखो फुल मस्ती कर रहे पैरट्स। और भी है लेकिन वो अभी दूसरे केज में है, वो रंडो पर आए तो इसलिए मैंने पर शिफ्ट नहीं किया ताकि वो ख़राब ना हो जाए। जिस तरह इसकी भराई की है इसमें मिट्टी वगैरह डाल, इसी तरह उसमें भी डालेंगे। ये फैंसी कबूतरों का शौक करे। अभी रोटी वगैरह डाली, अभी तक तो खा रहे थे लेकिन अभी इसका मन भर गया। को दाना डाला है ताकि वो दाना खाए, फिर इसको मुर्गियों को भी छोड़ते तो इसलिए मैं इसको खुला छोड़ता हूँ। लेकिन अभी इसको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि ये फिर इस कबूतरों को मारेंगे। ये मुश्क का सेट है माशाल्लाह, सूरज ये सही फोकस भी नहीं हो। माशाल्लाह से एस्ट्रोलोब ने अंडे दे दिए हैं। ये कल एक अंडा आया था, आज दो अंडे आए, एक वो और एक इधर कहिए। अभी आया हो तो इसको दाना वगैरह नहीं डाला है, इसको दाना भी डालता हूँ। माशाल्लाह से दूसरा अंडा ये है, उन्होंने अंडे स्टार्ट कर दिए माशाल्लाह से एस्ट्रोलोब ने। यहाँ पर भी अंडे आने शुरू हो गए माशाल्लाह से। ये क्रॉस असील, इस मुर्गी ने भी अंडे शुरू कर दिए। इस मुर्गे को अकेले इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये कुरीज में था। मुर्गे को इन दोनों मुर्गे के साथ शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी ये दोनों भी अंडे देना शुरू कर देगी। अब ये क्रुक थी, अभी क्रुक से फारे हो गई है। इसको मैंने अंडों पर नहीं बिठाया था क्योंकि इनक्यूबेटर था, बस उसी से बच्चे निकाल लिए। और इस मुर्गे को इसके साथ छोड़ूँगा माशाल्लाह। मुर्गा देखिए आप, बिल्कुल जहर दुमे। कबूतरों को दाना डाला था और दाना ख़त्म कर दिया है। कबूतरों को पानी देते हैं क्योंकि रात को इससे पानी उठाता हूँ। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो फिर ये उसमें नहाते ख़राब हो जाते, बीमार हो जाते। तो अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज चुके हैं, तो कबूतरों को पानी देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से पानी पी रहे, ताज़ा पानी है। अभी सर्दियाँ हो गई है तो अब भी अपने परिंदों से पानी हटा दिया करें। रात को जब सुबह आए दाना वगैरह देते तो फिर पानी दिया करें, और ख़ास कर तो कबूतरों से। ये चूँकि जब इसके सामने पानी पड़ा होता है तो फिर ये नहाते हैं और नहाने की वजह से फिर ख़राब भी हो जाते हैं। देखो एक कबूतर इसमें अंदर चला गया। अभी ये जो बार कड़े इसका नहाने का मन करे लेकिन इस नहाने नहीं देते। देखते हैं कि
इसका भी बर्तन साफ़ करते हैं। ये पैरेट से दाना भी ख़त्म है, दाना भी इसके परिंदों को दाना भी डालते हैं। पहले कबूतरों को अंदर करते हैं, कबूतरों को केज में बंद करते हैं और मुर्गियों को छोड़ते हैं ताकि मुर्गे भी थोड़ा खुला घूमें। कबूतर अंदर चले गए, तो दरवाज़ा बंद करते हैं। सबसे अब मुर्गियों को खोलेंगे और मुर्गियों को दाना वगैरह डालते हैं। तो आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।